वेलकम टू दी एलावेरा और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे योगा बार। मेरे पार्टनर का पार्टनर अलग है जो बहुत छोटे होते हैं, छोटा सा द म्यूजिक ये नमस्कार जय हिंद। आरावेरा की तरफ से आपको सबसे पहले बहुत ही बड़ा हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले ब्रेकफास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली एक ब्रांड योगा बार। नाम में ही योगा है और बार ही। नया साल है और नए साल का पहला वीडियो है, तो हम लोगों ने सोचा कि व्यूअर्स के रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी में रखा जाए, अर्जेंट में। ठीक है, और ये वीडियो का रिक्वेस्ट हमें भेजा था ऋषभ राणा जी ने, ठीक है, फ्रॉम हिमाचल, ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल। और लाइक मैंने कभी इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना था ना देखा था। तुमने पहले देखा था? मैंने देख रखा ये ब्रांड, बट कभी ऐसे ट्राई करने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि योगा बार है तो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होगा, मुझे अच्छा टेस्ट शायद नहीं कर सकता है। बट आई वाज जस्ट बीइंग जजी, बट अभी करने को मिल रहा है क्योंकि दियारा वगैरह में हम यही करते हैं। एक्चुअली इसका एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल भी नहीं आता ना टीवी पे। एग्जैक्टली, मैंने स्टोर्स पे देखा है एंड जस्ट पैम्पलेट वगैरह। सो मतलब मैं तो नजरअंदाज कर देता हूँ, मैं प्रोटीन बार सेक्शन जाता ही नहीं था। एग्जैक्टली, ठीक है, म्यूजली में मेरे को कभी दिखा नहीं इसका पैकेजिंग, पूरा केलॉग्सी शेल्फ दिखा रहता है तो वो दिखा नहीं। बट जब ये आया घर में, इसका पैकेजिंग बहुत ही क्यूट लग रहा है, लाइक यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस, बिकॉज हम लोग के लिए काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो सकता है। केलॉग्स पहले ट्राई कर रखा है हम लोगों ने, बट यू नो भाई बाप लगता है मेरे को, अभी के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं पता। एंड सीरियल्स का क्या है ना सीन कि इसमें इतना फ्रूट सीड्स थे ना इसमें, यूजली इज तो नोन फॉर इट्स फ्रूटी एंड एंड ऑल द गुड स्टफ इट हैज इनसाइड, इसलिए थोड़ा दाम भी ज़्यादा होता है म्यूजली का नॉर्मल सीरियल से। मेरे को लगता है ना कि लो फैट चीज़ में एक म्यूजली है जो मेरे को ऑन डाइट रख सकता है, पर इतना महंगा होता है कि सही ब्रांड चूज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट वी डू दी आरावेरा, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करिए द चैनल को, द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन वाले बेल को भी प्रेस कर लीजिए, बेल को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग के अपडेट्स मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम, है ना, मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम करने क्या वाले आपको जल्दी से बता दें, ये तीन प्रोडक्ट योगा बार के आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, विच इज पीनट बटर योगा बार का प्रोटीन बार एंड दीज टू डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ म्यूजली। स्क्रीन पे सारे डिटेल्स अवेलेबल होंगे, तो प्लीज ट्रैक रखिएगा किस चीज का क्या रिव्यू आ रहा है एंड क्या डिटेल्स है। सो लेट्स बिगिन विद पीनट बटर। तो इसका पहला प्रोडक्ट है पीनट बटर का नॉर्मल क्रंची पीनट बटर बाय योगा बार, और आपका क्या है? मेरा है डार्क चॉकलेट पीनट बटर, यानी क्या है, चिया सीड्स लिखा है इसमें, कोकोआ लिखा है। हालांकि जो रेगुलर ब्रांड्स मैंने सनड्रॉप का ही खाया है पीनट बटर, उसका सस्ता रहता है, काफ़ी सस्ता रहता है, एक 250 में आई गेस ज़्यादा क्वांटिटी दे देगा। इसमें 400 ग्राम्स है, 400 ग्राम्स है फॉर 299 रुपीज, ये 249 का डार्क चॉकलेट, इज क्वाइट थोड़ा एक्सपेंसिव। ये आपको रेगुलर ब्रांड से एक्सपेंसिव एंड में ही मिलेगा, इज जस्ट कि अब इसका टेस्ट डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली, तो मेरे साइड में है ये डार्क चॉकलेट पीनट बटर। स्मेल वैसा कुछ चॉकलेट वाला आ नहीं रहा है मेरे से, तुम्हारा क्या सीन है? पीनट बटर वाला ही स्मेल है एंड जैसा लिखा है यहाँ क्रंची पीनट बटर, तो इसमें बहुत सारा पीनट एक्चुअली दिख रहा है मेरे को। ये थोड़ा सा लिक्विडी साइड में है यार। हाँ, ये इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है या पता नहीं है, नीचे सेटल हो गया है। मैं ना एक बार बस इसको बाय इटसेल्फ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, लाइक एज इन सिर्फ इसको। अच्छा नहीं लग रहा यार, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आई कांट टेस्ट एनीथिंग। ये ब्रांड है इसके साथ, एटलीस्ट ऐसे एक बार खा के देखना होगा। This tastes like nothing. Peanut का थोड़ा हल्का सा फ्लेवर है, but I don't think it's proper peanut butter. आप try करो। This is too runny for me. Chocolate का थोड़ा hint मिल जाए भाई।
नहीं मिलेगा यार, या तो मेरा टेस्ट बस खराब हो गया एकदम, मेरे को खत्म हो गया फील हुआ था उसको, उसका पहला बाइट लिया मेरे को लगा भाई मेरा टेस्ट बस शायद खराब हो गया, बट आप एक बार ट्राई करो दोनों का ही खराब ऑयली लग रहा है काफी, क्यों यार मतलब नॉट फॉर मी, बहुत ही ऑयली है भाई, बहुत मतलब इसमें फैट है, कैसे ये लोग ग्रीस एज इन वो वाला फैट नहीं किया एकदम, ओ तेरी देखो यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैट्स पर 100 ग्राम सर्विंग में फैट 50.2 ग्राम्स है, कुछ गुड फैट्स होगा जो कि हम लोगों को नहीं पता, कुछ छुपा के डाला हुआ होगा, बट टेस्ट वाइज यू नो नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी एट ऑल, आई डाउनराइट हेट इट नाउ भाई, पहला साल पहला एक्सपीरियंस फूड यू नो, ऐसा लग रहा है जो मैं इसका पीनट का क्रंच ले पा रहा हूँ यू नो, इसका क्रंची का वो पीनट उसका भी पीनट्स स्वीट है नेचुरली, बट पता नहीं क्या है ये जो इसका स्वीटनेस ही सबड्यूट कर रहा है, यू नो दैट पीनट वांट्स टू बी स्वीट लाइक वो नेचुरली स्वीट है, इफ यू टेस्ट इट इसका पीनट इंडिविजुअली एक बार खा के देखना तुम, ठीक है दैट इज स्वीट, बट ये जो लिक्विडी चीज है ना पता नहीं क्या है, ये जो फैट वैट वगैरह है दिस इज नॉट लेटिंग इट यू नो ब्रिंग आउट द स्वीटनेस, पीनट का वो नेचुरल वाइब ही नहीं आ रहा है, या नेचुरल स्वीटनेस होता है पीनट का, इफ यू ग्राइंड इट पीनट को और उसको आप खाओ आपको एक नेचुरल स्वीटनेस आएगा, इनफैक्ट जो पीनट का चटनी होता है वो ऐसे ही बहुत स्वीट रहता है, ठीक है, बट वियर्ड, या इट वाज वियर्ड एक्चुअली, या इट वाज वियर्ड, आई मीन आई हैव वंडर हु पेज लाइक 249 299 फॉर, एंड फॉर समथिंग दैट सेज डार्क चॉकलेट पीनट बटर नॉट ऑल डार्क चॉकलेट, या टेस्ट नथिंग लाइक डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट तो दूर का बात है भाई, डार्क चॉकलेट तो बोलना नहीं चाहिए, दिस इज बेइज्जती ऑफ डार्क चॉकलेट यू नो, सो योगा बार यू हैव कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड ऑन पीनट बटर एटलीस्ट, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, लेट्स जस्ट कीप इट बैक एंड नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, इट वॉज रियली वेरी इरिटेटिंग जो पीनट बटर था, आई एम रियली वेरी सॉरी ऋषभ, आपसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, मे भी आपको पसंद आया होगा बट यू नो नहीं आया पसंद, एंड पीनट बटर आई थिंक आप पीनट बटर को लेके नहीं बट म्यूसली को लेके ज़्यादा एक्साइटेड थे व्हेन आई वाज यू नो हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू रिगार्डिंग योगा बार, बट पीनट बटर टेस्ट नथिंग लाइक पीनट बटर, जस्ट आप उसका पीनट खाएंगे तभी आपको पीनट जैसा कुछ फील होगा, वरना इट्स जस्ट यू आर हैविंग ग्रीस ग्रीस फैट, सो दिस इज योगा बार, पूरा कलरफुल है काफी, लुक्स गुड एट लीस्ट, सो व्हाट डू वी हैव यहां पे, फ्लेवर कौन सा है, आई सी ब्लूबेरी आलमंड कोको एप्रिकॉट एप्पल सिनेमन, सबके दो दो हैं, ओ एप्पल सिनेमन और एप्रिकॉट, हाँ उसके दो दो हैं बाकी दो आगे, मैं पर्सनली मेरे को ब्लूबेरी काफ़ी पसंद है, आई लव ब्लूबेरी, एंड इनफैक्ट इफ एप्रिकॉट्स एंड फिग्स यूज्ड रियली वेरी वेल टुगेदर तो भी बहुत अच्छा लगता है, बट आई डाउट अभी के एक्सपीरियंस के बाद से, सो लेट्स जस्ट ट्राई एप्रिकॉट से शुरू करते हैं, ठीक है, फाइबर प्रोटीन रिच एंड होल ग्रेन्स प्रोटीन 8 ग्राम, 50 रुपीज इंडिविजुअली प्राइस है इसका, रोल्ड ओट्स है, ब्राउन राइस है, फॉक्सटेल मिलेट्स, कीनवा सीड्स, सिसमी फ्लैक्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ओ तेरी आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा दिखता है, नहीं प्रोटीन बार ऐसा ही दिखता है लाइक विद ऑल द नट्स एंड सीड्स गुड पार्ट्स इंक्लूडेड, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इट स्मेल्स गुड, you know Rishabh was really very excited about these protein bars, protein bars, yeah, so dekhte hain kaise, give it a try, surprisingly I can handle it for way better, for a protein bar it's really good, actually it's really good, I can taste all the good things inside it, I don't know what are they,
बट इट फील्स गुड. या सीड्स वगैरह है, लेंस है, काफ़ी yeah. अच्छा है. रोल्ड ओट्स है, रोल्ड ओट्स आर वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ. अगर हैव इट लाइक ऑफन इन अ डे, या इट्स नाइस. बट this for 50 bucks. Will I pay for 50 bucks for this? I think I can. Yeah. I think. आप एक खाओगे, you are done for the day. Done for the meal actually. Exactly. Rishabh, good choice. The next है breakfast protein bar, blueberry pie. मैं actually excited हूँ अब इसे try करने के लिए. Yeah. Because इसका protein bar काफी अच्छा लगा. Yeah. Apricot अच्छा लगा तो blueberry से मेरा थोड़ा लगाव खास लगता है. मेरा भी ब्लूबेरी मेरे को बहुत पसंद आता है. ओके एंड यू कैन सी एंड आई कैन स्मेल, इट स्मेल्स स्वीट. ओह या वेरी नाइस, वेरी नाइस. वो जो एपिगामिया का ब्लूबेरी कर्ड था ना वैसा. ओके लेट्स स्टार्ट. स्मेल्स सो स्वीट. सरप्राइजिंगली सॉलिड है यार. पीनट बटर जितना टर्न ऑफ किया था ना ये टर्न ऑन कर रहा है. वेरी नाइस मैम. वो थोड़ा हल्का सारनेस जो आता है, स्वीट सार, द सारनेस दैट यू गेट फ्रॉम अ स्वीट बेरी, वैसा वाला. ब्लूबेरी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है. बहुत अच्छा. प्लस एवरीथिंग इज गुड इन इट. मिलेट्स, ग्रेन्स, इट हैज ब्राउन राइस आल्सो. बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा. आई कैन you know get used to it. अच्छा जैसे इसको खा लो. नेक्स्ट यार, नेक्स्ट है अपना आमंड कोकोनट प्रोटीन बार. आमंड कोकोनट यार, कोकोनट एक्चुअली मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ दोनों का टेस्ट मिला के. हाँ खाना खाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. हाँ आमंड एंड कोकोनट कैसा रहेगा? स्मेल्स थोड़ा वियर्ड. अरे यार वो बिस्किट नहीं आते थे पहले जो नारियल वाले, चीनी कोकोनट वाले. वेरी गुड. मेरी नानी, हम लोग की नानी एक्चुअली खिलाया करती थी. वो नानियाँ ही खिलाती है कुछ. नाइस नाम का कोई ब्रांड था क्या? पेड़ बना वाला था ऐसे कोकोनट बीचो बीच. इट वाज सो गुड. लाइक आई वोंट से इट वाज गुड बट इट वाज क्वाइट मेमोरेबल. आई लाइक्ड इट. हम लाइक मैं उसे पानी के साथ डुबो के हमेशा खाया करता था बचपन में. ओके हैव अ बाइट. ओके ये मेरे को बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करेगा ऐसा लग रहा है. काफ़ी रिच फ्लेवर आ रहा है कोकोनट का. कोकोनट एंड आमंड ऑयल. कोकोनट ऑयल का जैसा आता है ना, बिकॉज टेक्सचर तो है नहीं कोकोनट का वैसा. ना बस द फ्लेवर डेसिकेटेड कोकोनट का है ना. आपको एक्चुअल कोकोनट देखो, कोकोनट वैसा आ रहा है, बाइट जैसा आता है फ्रेश कोकोनट खा के. बट इट हैज़ अ वेरी नाइस कोकोनटी फ्लेवर. अगर आपको कोकोनट पसंद है यू लाइक इट बिकॉज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड साइड में बैलेंस्ड है. पर कोकोनट का काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर है. जिनको कोकोनट पसंद है उनको सेटिस्फाई करेगा फॉर श्योर. एंड आलमंड तो है ही भाई, तो दिक्कत ही नहीं है. बट मेरे को ऐसा एकदम आलमंड हिट वाला नहीं आ रहा है. लाइक इसमें ब्लूबेरी आया मेरे को. देखो एक आलमंड है बड़ा सा यहाँ पर. So this is the last one, which is apple cinnamon. मेरे को personally पसंद है apple cinnamon. As in like मेरे को apple pie भी जो बनता है Christmas वगैरह में. I'm not into desserts, पर मेरे को blueberry बहुत पसंद है. Yeah, blueberry. So I like very much. अब blueberry मेरे को actually पसंद आना शुरू हुआ है epicamia yogurt खा के. Like उसका जब chilled आप yogurt खाएंगे. Apple and cinnamon. Like smell. एप्पल सिनेमन ही कर रहा है एकदम. लेट्स ट्राई इट. ओके सरप्राइज मी. यू नो इंटरेस्टिंग. हाँ इंटरेस्टिंग है प्लस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है. बिकॉज जो एप्पल का फील दे रहा है वो हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल का भी फील दे रहा है मेरे को. ऑयली तो ऑलमोस्ट है सारा चीज, बट कोई कोई रिफाइंड ऑयल ना पता चल जाता है व्हेन यू रोटेट द ब्रेथ. जब आप
हवा में घुमाते हैं। अभी एक्चुअली मैंने किया वो तो समझ में आ रहा है। मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है, ठीक है, ऐसे भी मेरे को एप्पल सिनेमन उतना पसंद नहीं है, सो आई वोंट बाय इट, आई वोंट हैव इट एज माय ऑप्शन, बट ब्लूबेरी और एप्रिकॉट फिग में मैं अगर चूज करना चाहूँ मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, बिकॉज आई लाइक इट बोथ, आई लव इट दिस वन। अगर इन चारों में से मुझे बोला जाए फेवरेट कौन सा है तो आई वुड एनी डे पिक ब्लूबेरी पाई। मेरे लिए भी ब्लूबेरी इट इज। एंड योगा बार का प्रोटीन बार थम्स अप, थम्स अप ओवरऑल थम्स अप। पीनट बटर हिला दिया था, अंदर दहला दिया था, वैसा नहीं है ये। ओके तो लास्ट है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी को लेकर, बिकॉज यू नो योगा बार डिड सरप्राइज मी, और योगा बार में जो चीज़ है वो इसमें है, लाइक सीरियल्स, इट्स म्यूसली, मिक्स्ड म्यूसली, और लाइक उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फ्रूट एंड नट्स। इसका पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यू नो वॉट आई फील लाइक फ्रूट एंड नट्स के साथ काफ़ी अच्छा ये लोग करते हैं, बैलेंस करता है, जगल करता है। सो लेट्स सी, तुम बोलो उसको। यू नो इट कम्स 325 400 ग्राम्स। सेम, आप अगर मतलब ब्रांड खरीदेंगे जैसे केलॉग्स वगैरह हो गया, 50-60 रुपए का ही डिफरेंस आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं इन देयर केलॉग्स। पर अगर आपको ये पसंद आता है तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप इसके लिए पे करना माइंड करेंगे एक्स्ट्रा। स्मेल्स ग्रेट, इसका स्मेल करो, ये एक्चुअली चॉकलेट टाइप का स्मेल करता है। नाउ योगा बार डार्क चॉकलेट स्मेल्स लाइक डार्क फ्रूटी, आई नो राइट, सही है भाई। नाउ योगा बार, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, मैं शायद आपके प्रोडक्शन हाउस में नहीं हूँ, आपके R&D टीम के साथ मैं नहीं बैठ रहा हूँ, बट यू नीड टू कॉल दैट समथिंग एल्स अदर दैन डार्क चॉकलेट, बिकॉज आपका एक प्रोडक्ट है डार्क चॉकलेट, एंड खा के ही पता चलेगा जो नहीं कर रहा यार। नहीं अच्छी कैसे खा दिया ये एकदम चॉकलेट का अरोमा आ रहा है इसमें, बट इट डजंट स्मेल्स लाइक डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट है, नॉट इवन मिल्क चॉकलेट या कोई अदर चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है, एंड डजंट तो आपको पहले निकाल के दिखा देते हैं, बहुत फ्रूटी टेस्ट है ये, कैसा स्मेल है, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस स्मेल्स लाइक वो डेरी मिल्क का क्रैकल आता है ना, ब्लूबेरी, वेरी नाइस। ओके तो ये ऐसा दिखता है, ये क्या है, फ्रूट एंड नट, फ्रूट एंड नट विद सीड्स, विद सीड्स, या एंड सीड्स, और ये है डार्क चॉकलेट। सो यू रेडी? आई एम रेडी, थोड़ा मिल्क लाया जाए, थोड़ा मिल्क लाया जाए, ये लो। तो इसमें पोर करते हैं, यू नो आई लाइक, मेरे लिए तुम्हारे लिए मिल्क इज टू सीरियल का क्या रेशियो होना चाहिए? I think for me it's 50-50. मेरे लिए 70-30 है, 70 cereals and 30 milk. I like to have crunch for a longer duration of time when I'm having cereals with milk. Okay. Looks really very nice. Looks so healthy and so good. Yeah. And जब milk से मिलता है ना, so it really imparts the flavor of chocolate. यहाँ पे smell आ रहा है. Exactly. And milk में भी वो flavor अच्छे से घुल जाता है. So milk is also enjoyable then. Let's try. This one is nice. This is also good. I mean, crunchy है. Crunchy बहुत ही है. And हेल्दी एस्पेक्ट से मुझे लग रहा है कि ये बहुत हेल्दी है, एंड लाइक टेस्ट इट्स नॉट डिलिशियस बट या इट्स गुड, यू कैन हैव लाइक फॉर हेल्दी रीजंस, हेल्थ रीजंस। आई डोंट नीड स्वीटनेस एक्स्ट्रा, तुम इसको खाओगे तुमको शुगर का जरूरत नहीं पड़ेगा।
बट आई माइट नीड फॉर दिस अब ये ट्राई करो लेट्स ट्राई द चॉकलेट आई लाइक दिस वन मोर थोड़ा चॉकलेटी एंड थोड़ा स्वीट एंड है इसका इसमें थोड़ा स्वीटनेस का जरूरत पड़ सकता है बट अगेन यू नो थोड़ा स्ट्रॉबेरी टाइप का लग रहा है बेरीज का काफ़ी अच्छा एंड मिल्क में आ गया फ्लेवर या थोड़ा स्वीटनेस डालिएगा यू हैव दैट ये मेरे को काफ़ी पसंद आया इसमें लाइक कैशियोज एंड रेजिन है एंड ब्लूबेरीज भी एंड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है जो स्वीटनेस बढ़ा रहे हैं एंड फ्लेवर्स भी फॉर मी दिस इज बेटर देन बोथ ऑफ दिस चॉकलेट चॉकलेट सेम बिकॉज यू डोंट नीड एक्स्ट्रा स्वीटनेस इन इट एग्जैक्टली इट्स परफेक्ट इन इटसेल्फ इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस लगे एंड दैट इज नॉट द ओनली रीजन अगर मेरे को चूज करने का मौका मिले आई डोंट नो व्हाट इट इज बट मैं डार्क चॉकलेट के ही तरफ जाऊंगा इसका एज इन डार्क चॉकलेट है और डार्क चॉकलेट एंड क्रैनबेरी आई लव सेम मैन पीनट बटर से एक्सपेक्टेड था जब मैंने डार्क चॉकलेट देखा था वो मेरे को उसमें नहीं मिला और इसमें बहुत अच्छे से मिल गया तो ये था हमारा रिव्यू योगा बार के ऊपर आई होप आपको अच्छा लगा होगा बट लाइक जस्ट ये तीन प्रोडक्ट्स में से सिर्फ पीनट बटर है जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एंड लाइक क्या ही बोलूँ उसको हटा देना चाहिए वो डिसअपॉइंट नहीं किया मतलब एक्चुअली अगर उसको इक्वेशन से हटा देते हाँ. तो मेरे को वो 2+2 5 वाला सिचुएशन हो जाता है या 5-1-5 वाला सिचुएशन हाँ बिकॉज प्रोटीन बार्स वर गुड एकदम बहुत ही अच्छा था सुपर एंड म्यूजली का चॉकलेट वर्जन वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर हैड इट बीन द केस कि अगर पीनट बटर हमने लास्ट में टेस्ट किया होता तो शायद कुछ अलग ही अभी रिएक्शन मिल रहा था कि एंड ही खराब हो जाता फिर हाँ बट यू नो काफ़ी अच्छा कमबैक था योगा बार का आई मस्ट से दैट योगा बार इस लेवल बढ़ाया म्यूजली थोड़ा और ऊपर लेके चला गया दैट हैज टू बी द बेस्ट कमबैक अभी तक यू नो योगा बार से सो इट्स अ गुड ब्रांड इफ अगर आपको यू नो इसके सीरियल्स पसंद आते हैं योगा बार्स पसंद आते हैं हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे अगर आपको खरीदना है आप ट्राई करिए आपको अच्छा लगता है गो फॉर इट बट अगर आप हमें फॉलो करते हैं एंड यू ट्रस्ट आर रिव्यूज वी वोंट रिकमेंड यू पीनट बटर एट ऑल ठीक है एंड हम लोग डेयर भी नहीं करेंगे कि हम लोग 300-400 रुपये लगाएंगे वापस से किसी और फ्लेवर को भी ट्राई करने के लिए बिकॉज लाइक सनड्रॉप का काफ़ी अच्छा लगता है यार पीनट बटर आई हैव ट्राइड इट इवन डॉक्टर ओटकर का भी आता है इट्स गुड टेक्सचर वो लोग का काफ़ी अच्छा रहता है यू कैन एक्चुअली स्प्रेड ऑन इट रादर देन यू नो वो जो फ्लूइड टाइप का निकल रहा है ठीक है यू नीड समथिंग टू स्प्रेड जो भी पीनट बटर आई थिंक इससे बेटर ही होगा मार्केट बेटर होगा लाइक मेरे को तो ये एकदम यहाँ रिलीज है तो ये यहाँ आ गया Yeah, but protein bars and muesli you should definitely try and वो आपके personal taste buds पे depend करता है if you like it or not और हम लोग जैसे बता रहे हैं protein bars और cereals का एक comparison video लाएंगे ताकि हम लोग को भी clear हो जाए कि main Kellogg's competitor है तो उसके एक बार असल खिलाड़ी कौन निकलेगा दोनों में से you know तो ये था आज का हमारा रिव्यू योगा बार के ऊपर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट करें वीडियो के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करिए ताकि यूट्यूब पे पता चले अच्छा वीडियो है तो इसे थोड़ा बूस्ट मिले एंड वी नीड दैट बूस्ट राइट नाउ सो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो एंड जनरली अगर आपने योगा बार ट्राई किया है तो उस टाइम आपको कैसा लगा एंड आइडियाज़ भी बताएं कि क्या हम लोग फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं बिकॉज हम लोग काफ़ी वेलकमिंग आइडियाज़ के लिए एंड अगर आपको हमारे ओपिनियंस और रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ दिया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए जो घंटा टाइप का लगता है जो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आता है उसे दबा दीजिए इससे क्या है कि हमारे वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आपके पास सुई से पहुँच जाएंगे एंड हम लोग लिए जैसे पिछला वीडियो में अनाउंस किया था कि हर महीने के एंड में एक वे होगा 10 लोग चुने जाएंगे जो सबसे ज़्यादा लाइक इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे चैनल से सो आप कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए वी वुड नो कि आप कर रहे हैं एंड आपको एक ज़रूर गिफ्ट मिल सकता है क्या पता आपके घर में एक ऐसा चमचमाता आरा वेरा
या क्या पता गूगल पे में आप देखें और आपको 10,000 रुपए उतना नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।